देखिए, किसी नतीजे से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। बेईमानों के बारे में क्या कहना, जो बेईमान लोग हैं, तुम क्यों डिप्टी सीएम को लाते हैं? डिप्टी सीएम क्या होते हैं? डिप्टी सीएम होते क्या है? कैबिनेट है, बस नाम लिख दिया डिप्टी सीएम। आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है। आप बताओ महंगाई कितनी है? चरम सीमा पर महंगाई है। ये सरकार बता रही है 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। कौन इनकी बात को मान लेगा? और जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका की कंपनी को हायर किया है और बजट दिया है, बताओ अपने झूठ को सच करने के लिए 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अपना झूठ बोला हुआ उसको जनता में सच मान लें। उसके लिए अमेरिका की डिलॉयट कंपनी हायर की है। नंबर एक पर समाजवादी पार्टी, नंबर एक पर है। बीजेपी बेईमानी में नंबर एक पर है। बड़े शहर है, वहाँ जब जाएंगे आप, क्योंकि आप करेंगे जहाँ पे गंदगी ज्यादा है, की तरफ से क्या फेयर इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, अभी फिरोजाबाद से एक वीडियो आया है जिसमें बीजेपी के लोग लिफाफे में पैसा दे रहे हैं। अगर वोट पड़ने से पहले बीजेपी की ये हालत है तो सोचिए, जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व में देखा गया है, शासन प्रशासन पैसा सब कुछ लगा करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है कि इनकी चोरी पकड़ी भी जाएगी और इनके खिलाफ मतदान भी होगा। ये शाहजहांपुर में जो किया आपने, कहा कि इनके पास कैंडिडेट नहीं, ये उनका दिवालियापन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद दुखी हैं शाहजहांपुर के, और शाहजहांपुर के भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर दें। सर, लखनऊ नगर निगम में अगर मेयर आया तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेयर बनने के बाद लखनऊ को सुंदर, अच्छा और साफ सुथरा बनाने का प्रयास होगा, और आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की होगी तो जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास सिटीज में सुविधाएं होती हैं, और समाजवादियों ने कोशिश की है कि लखनऊ में सबसे बेहतरीन सुविधाएं हो। आप मेट्रो देख लीजिए, कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल देख लीजिए, एकाना स्टेडियम देख लीजिए, पूरी दुनिया मैच देख रही है। ये रिवर फ्रंट देख लीजिए, आप जब लैपटॉप बटा था उस समय का देख लीजिए, 1200 बिल्डिंग देख लीजिए। मंडी के लिए हम लोगों ने किसानों को सुविधा दी थी, किसान बाजार, वो भी इन्होंने बेच दिया। JP NIC भी बेचने जा रहे हैं। इस शहर में पार्क दिए, लोहिया पार्क नेताजी ने दिया, जनेश्वर मिश्र पार्क समाजवादियों ने दिया, साइकिल ट्रैक दिए, सुंदर पेड़ लगाए, और ऐसे पेड़ लगाए जिसमें समय समय पर फ्लावरिंग करें। तो ये सुविधाएं शहर को दी है, फ्री ई रिक्शा बांटे थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जानबूझ करके लखनऊ के लोगों को संदेश देने के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताने के लिए कि शहरों से लेकर के गांव तक अगर किसी ने विकास किया तो समाजवादियों ने विकास करके दिखाया, और जो भी काम समाजवादियों ने किया वो वर्ल्ड क्लास किया। चाहे आप आलमबाग का जो बस स्टैंड है वो देख लीजिए, मेट्रो के स्टेशन देख लीजिए, मेट्रो के स्टेशन पे जो कैफे या बेकरी या और सुविधाएं दी है वर्ल्ड क्लास है, बाथरूम वर्ल्ड क्लास है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वर्ल्ड क्लास है, रिवर फ्रंट वर्ल्ड क्लास है। आप यहाँ से पूछते चलो, हम नाम पेड़ों के बताते चलेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों से पूछो तो पहले पेड़ में फेल हो जाएंगे वो।